सी पी सी का ऑर्डर टू है फ्रेम ऑफ सूट इसमें सात रूल्स हैं वन टू सेवन पहला रूल है फ्रेम ऑफ सूट ये रूल कहता है कि सूट को इस तरीके से फ्रेम करना चाहिए सो so दैट वो फाइनल डिसीजन का ग्राउंड बने और फर जितने भी डिस्प्यूट हैं वो रिजॉल्व हो जाए और फर्दर लिटिगेशन जो भी हैं वो ख़त्म हो जाए ऑर्डर टू रूल टू सूट टू इंक्लूड द होल क्लेम रूल टू कहता है कि जो सूट होंगे उसमें क्लेम जो भी होगा वो पूरी तरीके से जो भी क्लेम होगा प्लेटिव को जो भी क्लेम चाहिए होगा वो पूरा का पूरा इंक्लूड होना चाहिए सूट में लेकिन अगर प्लेन्टिव चाहता है कि पार्टिकुलर कोर्ट में अपना सूट को इंक्लूड करने के लिए पार्टिकुलर कोर्ट के जो में आने के लिए वो अगर कुछ चाहे तो अपने क्लेम का कुछ पोर्शन रिलिंक्विश कर सकता है त्याग सकता है ख़त्म कर सकता है प्लेटिव अगर इंटेंशनली ओमिट करता है अपने क्लेम का कोई भी पार्ट तो बाद में वो उस पार्ट को क्लेम नहीं कर सकता है देखिए मान लीजिए किसी पर्सन को एक से ज़्यादा रिलीफ के लिए वो इंटाइटल है कोई भी पर्सन तो वो सू कर सकता है अपने उन सारे रिलीफ्स के लिए लेकिन अगर वो चाहे तो कुछ रिलीफ को ओमिट भी कर सकता है लेकिन अगर वो उमिट कर देता है तो बाद में वो उस रिलीफ को ऑप्टेन नहीं कर सकता है लेकिन अगर कोर्ट के परमिशन से विद द लीव ऑफ द कोर्ट अगर वो उमिट करता है तो कोई बात नहीं है लेकिन अगर अपने मर्जी से बिना कोर्ट के लीव से बिना कोर्ट के इजाज़त से खुद से लीव खुद से उसको जो रिलीफ है उसको रिलिंक्विश कर देता है या उमिट कर देता है तो वो बाद में उससे रिकवर नहीं कर सकता है सू नहीं कर सकता है कि हमें वो रिलीफ चाहिए देखिए एक, एक इलस्ट्रेशन देखते हैं इस इलस्ट्रेशन से समझ में आ जाएगा दो पर्सन है ए एंड बी ए जो है वो अपना घर दे देता है बी को दूसरे पर्सन को और रेंट पे देता है और कहता है कि इयरली रेंट तीस हज़ार रुपये है मान लीजिए तीस हज़ार रुपये तो ये 2018 की बात है 2018 में वो पैसा नहीं दिया 2019 में भी नहीं दिया 2020 में भी नहीं दिया तो तीन साल का किराया बाकी हो गया 2021 में ए सू करता है जो लैंडलॉर्ड है अपने टेनेंट को शू करता है रेंट के लिए और और किस ईयर के लिए 2020 के लिए 2018, 2019 के लिए शू नहीं करता है 2020 के रेंट के लिए शू करता है तो ऐसे सिचुएशन में वो 2018 और 2019 का जो रेंट बाकी है उसे क्लेम नहीं कर सकता है क्योंकि यहाँ पर वो अपना जानबूझकर क्लेम को रिलिंक्श कर दिया है छोड़ दिया Order two, rule three. Rule three है ऑर्डर टू रूल थ्री रूल थ्री है जॉइंडर ऑफ कॉजेज ऑफ एक्शन जो प्लेंटिफ है वो डिफेंडेंट के अगेंस्ट एक ही सूट में सेवरल कॉजेज ऑफ एक्शन मतलब एक से ज़्यादा कॉज ऑफ एक्शन को यूनाइट कर सकता है और अगर ऐसा वो कर देता है कि एक से ज़्यादा कॉज ऑफ एक्शन कर दिया तो जो कोर्ट का जोरिस्ट्रिक्शन होगा वो सारे काजस ऑफ एक्शन को यूनाइट करने के बाद जो आता है वो कोर्ट का जोरिस्ट्रिक्शन होगा ऑर्डर टू रूल फोर ओनली सर्टेन क्लेम्स टू बी ज्वाइंट फॉर रिकवरी ऑफ इमोवेबल प्रॉपर्टी रूल फोर है ओनली सर्टेन क्लेम्स टू बी ज्वाइंट फॉर रिकवरी ऑफ इमोवेबल प्रॉपर्टी रूल फोर कहता है कि किसी भी इमूवेबल प्रॉपर्टी के रिकवरी के लिए सूट सूट में कॉज ऑफ एक्शन जॉइंट नहीं कराया जा सकता है लेकिन अगर कोर्ट का परमिशन ले लिया गया तो वो अलग बात है अदरवाइज इमूवेबल प्रॉपर्टी का रिकवरी के लिए सूट में कॉज ऑफ एक्शन को ज्वाइन नहीं कराया जा सकता है लेकिन तीन एक्सेप्शन दिया गया है तीन एक्सेप्शन जहाँ पर इमूवेबल प्रॉपर्टी के रिगार्डिंग कॉज ऑफ एक्शन को जॉइंट कराया जा सकता है पहला है क्लेम्स फॉर मीन प्रॉफिट्स जो मीन प्रॉफिट्स होते हैं या एरियर्स ऑफ रेंट होते हैं उनके क्लेम के लिए जॉइन काज ऑफ एक्शन को जॉइन कराया जा सकता है दूसरा है क्लेम्स फॉर डैमेज फॉर ब्रिज ऑफ एनी कॉन्ट्रैक्ट कोई भी कॉन्ट्रैक्ट का ब्रीच होता है जो प्रॉपर्टी से रिलेटेड है तो वहाँ पर भी कॉज ऑफ एक्शन को जॉइन कराया जा सकता है और तीसरा है क्लेम्स इन विच द रिलीफ सॉट इज बेस्ड ऑन द सेम कॉज ऑफ एक्शन सेम कॉज ऑफ एक्शन पर क्ले रिलीफ बेस्ड है तो ऐसे क्लेम को भी ज्वाइन कराया जा सकता है एक प्रोवाइजर भी है कहता है कि नथिंग इन दिस रूल शैल बी डीम्ड टू प्रिवेंट एनी पार्टी किसी भी पार्टी को ये रूल प्रिवेंट नहीं करेगा किस चीज़ के लिए सूट के लिए कैसा सूट फॉर फोर क्लोजर और रिडेम्शन फ्राम आस्किंग टू पुट इन टू पोजेशन ऑफ द मोर्टिगेज प्रॉपर्टी ऑर्डर टू रूल फाइव क्लेम्स बाई और अगेंस्ट एक्सक्यूटर एडमिनिस्ट्रेटर और एयर रूल फाइव कहता है कि कोई भी क्लेम किसी भी एक्सक्यूटर या एडमिनिस्ट्रेटर या एयर के अगेंस्ट में नहीं किया जा सकता है जॉइंट नहीं किया जा सकता है क्लेम में अगर उनके बाई और अगेंस्ट उनके तरफ से या उनके अगेंस्ट में पर्सनली सू किया गया है मतलब एक पर्सन को अगर पर्सनली सू किया गया और वो किसी एक्सिक्यूटर या एडमिनिस्ट्रेटर या एयर कैपेसिटी में भी है तो ऐसे सिचुएशन में दोनों को जॉइंट नहीं कराया जा सकता है ऑर्डर टू रूल सिक्स पावर ऑफ कोर्ट टू ऑर्डर सेपरेट ट्रायल्स रूल सिक्स है ऑर्डर टू का पावर ऑफ कोर्ट टू ऑर्डर सेपरेट ट्रायल्स कोर्ट को अगर जहां लगता है कि अगर कासेस ऑफ एक्शन को ज्वाइन करा करा देने से ज्वाइंटर ऑफ कॉज ऑफ एक्शन कासेज ऑफ एक्शन का ज्वाइंटर करा देने से क्या होता है जो कोर्ट का ट्रायल है उसमें डिले हो सकता है या एम्बरेस होता है या इनकनवीनियंट होता है तो कोर्ट सेपरेट ट्रायल्स का ऑर्डर दे सकती है या कोर्ट कोई अदर भी ऑर्डर पास कर सकता है जो जो जस्टिस के इंटरेस्ट में हो ये कहता है रूल सिक्स ऑर्डर टू का रूल सिक्स पावर ऑफ कोर्ट टू ऑर्डर सेपरेट ट्रायल्स ऑर्डर टू रूल सेवन लास्ट रूल है ऑर्डर टू का रूल सेवन ऑब्जेक्शंस एज टू मिस ऑब्जेक्शंस एज टू मिस जो भी ऑब्जेक्शंस हैं ऑन द ग्राउंड ऑफ मिस ऑफ कॉजेज ऑफ एक्शन काजेज ऑफ एक्शंस का मिस का के ग्राउंड का जो भी ऑब्जेक्शंस हैं वो कोर्ट में लाना चाहिए जितना जल्दी हो सके उतना जल्दी एट दर्लीस्ट पॉसिबल अपॉर्चुनिटी ये था हमारा ऑर्डर टू फ्रेम ऑफ सूट रूल एक से लेकर सात तक